नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू माय चैनल। आज आपको बताएंगे कि अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाने को क्यों बता दिया कि दूसरे किसी सिंगर ने गाया। इतना बड़ा झूठ रफ़ी साहब के लिए क्यों बोला। वैसे एक हिस्सा जानने के लिए हम आपको आगे बताएंगे पूरा माजरा क्या है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और रफ़ी साहब के सपोर्ट में एक कमेंट जरूर बनती है। वैसे ये किस्सा अभी हाल का ही है जिसमें कौन बनेगा करोड़पति जो कि हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन बैठते हैं। कौन बनेगा करोड़पति ये एक प्रोग्राम आता है जिसका होस्ट अमिताभ बच्चन ही करते हैं। आप बखूबी जानते होंगे, आपने देखा भी होगा ये प्रोग्राम। क्या आप इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें गाने को बजाया जाता है और उसमें एक दो शब्द नहीं बजाते हैं, वही शब्द पूछा जाता है कि ये शब्द किसने गाया और ये शब्द क्या हो। जो कॉन्टेस्ट होता है वो इस सवाल का जवाब देकर पैसे जीतता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस गाने के साथ जो कि मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना किसी और लेखक गायक के नाम बता दिया गया। ये गाना आपने बखूबी सुना होगा और बहुत ही बार सुना होगा और काफ़ी बार गुनगुनाया भी होगा। जब मैंने सुना है आप लोगों ने भी सुना होगा। आपने अगर सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाना है शम्मी कपूर और सायरा बानो पर अपनाया गया फिल्म जंगली के गाने की चर्चा करते हैं हम। ये जानकारी साझा करते हैं कि ये गाना शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है और इस गाने को लिखा है मेरे फेवरेट आपके सबके फेवरेट लेखक शैलेंद्र ने, जो कि बहुत ही बढ़िया राय अपना गाने को लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा शैलेंद्र का कौन सा फेवरेट आपका गाना है। वैसे इस गाने के बारे में आपको बताते हैं, ये गाना आप समझ गए होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा ये गाना कौन सा है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि कैसे प्रतिष्ठित ट्रैक चाहे कोई मुझे जंगली कहे में याहू शब्द नहीं गाया गया मोहम्मद रफ़ी के द्वारा। लेखक प्रयागराज द्वारा रिकॉर्ड किया गया था ये शब्द। मेगा स्टार वर्तमान में गेम प्ले यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 की मेज़बानी कर रहे हैं। बिग बी ने किया स्वागत दिलीप मोहन सिप्पी महाराष्ट्र के नंदुरबार से हॉट सीट तक पहुंच गए हैं। 10,000 रुपये के इस प्रतियोगी से एक आइडियो प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद रफ़ी के इस गाने का पहला शब्द क्या है। वैसे हम आप लोगों को भी इनाम देंगे, आप लोगों को सही शब्द आपको भी बताना है कमेंट कर। गाना बजाया गया चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दिए गए विकल्प थे हुर्रे याहू साहबा और चक दे, सही उत्तर याहू था। ये गाना फिल्म जंगली का है। फिल्म में सितारे शम्मी कपूर और सायरा बानो मुख्य भूमिका में है। संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र हैं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने खुलासा के गाने में याहू आप सुन रहे हैं ना, इसे रफ़ी साहब ने नहीं गाया। मेरा मतलब है गाना उनके द्वारा गाया गया था लेकिन जब गाना रिकॉर्ड किया गया तो याहू को प्रयागराज ने गाया था। प्रयागराज एक लेखक हैं, उन्होंने मेरी कई फिल्मों के लिए लिखा है और उन्होंने कई गाने भी प्रस्तुत किए हैं। फिल्म में कुली मेरे पालतू बाज का नाम अल्लाह रखा चिल्लाने वाला आदमी वो कोई और नहीं प्रयागराज ही थे। अमिताभ बच्चन ने ये पूरा निष्कर्ष बताया। वहीं आपको बता दें कि पूरे मीडिया में ये बात पहली बार सबको पता चली, तो आप लोगों को भी पहली बार पता चली हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं क्रिकेट से और बॉलीवुड से सभी से जुड़े किस्से लाता रहता हूँ। जय।